House Republicans have clearly turned their ever-shrinking majority over to the extremists. टेक्सास सीमा पर तनाव, अप्रवास नीतियों की चुनौतियां, अलपासो में सीमा संघर्ष, माइग्रेट्स और गार्ड्स के बीच तनावपूर्ण झड़प। क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा पर तनाव कैसे उत्पन्न होता है जब अप्रवास नीतियां और मानवीय जरूरतें आमने सामने आती हैं, तो क्या परिणाम होते हैं? आइए देखते हैं अलपासो टेक्सास में हुई हालिया घटना के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल ही में अलपासो टेक्सास में एक बड़ी संख्या में माइग्रेट्स ने सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हुए सीमा गार्ड्स के साथ झड़प की। ये घटना टेक्सास की सख्त अप्रवास नीतियों के आसपास चल रहे कानूनी विवादों के साथ मेल खाती है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने फुटेज कैप्चर किया जिसमें एक बड़े समूह के वयस्क पुरुषों को राज्य द्वारा स्थापित रेजर तार बाधाओं को हटाते हुए और टेक्सास नेशनल गार्ड्समैन को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। इससे पहले कि वे सीमा की दीवार के एक खंड की ओर बढ़े, अंततः उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। टेक्सास के एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के अनुसार समूह में 300 से अधिक माइग्रेंट शामिल थे, जिनमें से लगभग 100 वयस्क पुरुषों ने सैनिकों के साथ सीधे संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को एक सैनिक पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया। संघर्ष तब और भड़क उठा जब एक परिवार को सीमा के माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति दी गई। संपत्ति क्षति और हमले के लिए अतिरिक्त गिरफ्तारियों की उम्मीद है। एक टेक्सास नेशनल गार्ड्समैन को वीडियो में बाधा के दूसरी ओर से माइग्रेट्स को वापस जाओ कहते हुए रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस घटना ने टेक्सास की सीमा पर अप्रवास नीतियों की जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर किया है। एक ओर राज्य सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कठोर उपाय कर रही है, जबकि दूसरी ओर माइग्रेट्स बेहतर जीवन की तलाश में जोखिम उठा रहे हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति में न केवल सीमा सुरक्षा बलों पर दबाव डाला है, बल्कि इमिग्रेशन नीतियों के प्रति व्यापक आलोचना प्रचलित है। वैसे इस तरह की घटनाएं अन्य देशों में भी होती रही है, जैसे कि यूरोप में शरणार्थी संकट, जहां लोग संघर्ष और गरीबी से बचकर नई जिंदगी की आशा में सीमाओं को पार करते हैं। इन घटनाओं से इमिग्रेशन नीतियों और मानव अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने आई है। इस तरह इस घटना के भविष्य में प्रभाव को देखते हुए ये संभावना है कि अप्रवास नीतियों में सुधार और मानवीय दृष्टिकोण की ओर अधिक झुकाव होगा। इससे न केवल सीमा सुरक्षा में बदलाव आएगा, बल्कि अप्रवास के प्रति समाज की सोच में भी परिवर्तन आएगा। तो इस तरह अलपासो में हुई घटना ने आव्रजन नीतियों और सीमा सुरक्षा के मुद्दों को फिर से सामने ला दिया है। इससे न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक चर्चा को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इन मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श हो सकेगा। अगली वीडियो में हम अप्रवास नीतियों और सीमा सुरक्षा के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। क्या अन्य देशों की नीतियां इस घटना से प्रभावित होंगी? इस विषय पर और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, आप देख रहे थे केयर न्यूज।